हेलो गाइस, हम वापस आ गए हैं एक और नई रेसिपी लेकर के। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और कसूरी मेथी की सब्ज़ी, और साथ में बनाएंगे हम खस्ता पूरी। तो आलू और कसूरी मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमको जो लगेगा वो है बॉइल्ड पटेटो को हमने छिलका निकाल करके अच्छे से उसको डाइसेस कट कर दिए। थोड़ा सा हींग पाउडर लगेगा, थोड़ा सा गर्म मसाला लगेगा, और धनिया पत्ती ले ली हमने, ग्रीन चिली हमने चॉप कर ली थी, हल्दी लगेगी हमको, धनिया पाउडर लगेगा, लाल मिर्ची पाउडर लगेगा, अमचूर पाउडर लगेगा थोड़ा, राई लगेगी, जीरा लगेगा, नमक लगेगा, और हमने ले लिए कसूरी मेथी। ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ड्राई मेथी है ये। तो चलिए हम अपने प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। कसूरी मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 3 टीस्पून ऑयल ले लिया है, और उसमें अब हम डालने जा रहे हैं राई। सो गाइस, राई हमारी जो है वो स्प्लिट होने लगी है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हींग पाउडर ऐड कर रहे हैं हम, तो हमने 1/3 टीस्पून हींग पाउडर ऐड कर दिया। 1/3 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें बॉइल पोटैटो ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ये एज पर योर टेस्ट होगा। हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून हम चिली पाउडर ऐड करेंगे। टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, जो ड्राई कसूरी मेथी हमने दिखाई थी। टू टू थ्री टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देंगे हम। अब हम उस पर धनिया पत्ती, थोड़ा सा हम इस पर पानी स्प्रिंकल कर देंगे, और इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लेकर के कुक होने देंगे, और हमारी सब्जी फिर ऑलमोस्ट रेडी है। खस्ता पूरी बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है व्हीट फ्लोर, आटा ले लिया हमने, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है 1/2 टीस्पून, बेसन ले लिया यानी ग्राम फ्लोर ले लिया है हमने, ये 2 टेबलस्पून हमको, 2 टेबलस्पून हमको ग्राम फ्लोर लगेगा, सॉल्ट लगेगा हमको, हल्दी लगेगी, थोड़ा सा जीरा लगेगा, मिर्ची लगेगी, कुकिंग ऑयल लगेगा, और हींग लगेगी हमको। तो ये मोयन के लिए ऑयल लिया है, और बाद में फ्राई करने के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आटा जिसमें हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल के रखा था, उसमें अब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, तो 1/2 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून हम चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा हम हींग पाउडर ऐड कर रहे हैं। ग्राम फ्लोर ऐड कर रहे हैं, अब हम बेसन ऐड करेंगे। हाफ बड़ा बोल हमने बेसन ऐड किया है और अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रहे हैं। मोयन के लिए हम इसमें मीडियम साइज स्पून लेकर के 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसका आटा गूंथ देंगे जैसे हम नॉर्मल चपाती या पूरी का गूंथते हैं। सो गाइस, हमारा पूरी का आटा एकदम अच्छे से रेडी हो गया, उसको हमने थोड़ा सा ऑयल में ग्रीस कर दिया था। अब हम इसके बॉल्स बना करके रोलिंग पिन से पूरियाँ बेल के उसे फ्राई करने के लिए स्टार्ट करेंगे। हमने राउंड बॉल बना करके अब उसको हम बेलने जा रहे हैं, तो मीडियम साइज़ की हम पूरियाँ बनाएंगे। अब हम इसे हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा था, ऑयल गरम आ गया है तो अब हम इसमें पूरी उतार देंगे। हमारी एकदम रेडी हो गई है, तो अब हम इसे निकाल देंगे और हम अपनी डिश सर्विंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। हे गाइस, हमारी आलू मेथी की सब्जी और पूरी एकदम रेडी हो गई है, तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम और नई रेसिपीज ला सकें। एंजॉय।